वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल क्यू के बारे में। रॉयल क्यू पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बार बार कमेंट किया है कि रॉयल क्यू को लेकर आप वीडियो बनाओ, आप रॉयल क्यू से क्या समझते हो, इसमें हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, राइट। समस्या यह है कि बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर MLM कोच भी हैं जो लोगों को गुमराह करके, मिसगाइड करके रॉयल क्यू में लोगों का पैसा लगवा रहे हैं। और एक ये सच्चाई है कि भारत के लोग ना इमोशनली जो है ना कुछ भी कर देते हैं, जज्बातों में आके कुछ भी कर देते हैं, है ना। बहुत भावुक लोग होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं, इसलिए कोई भी आता है बेवकूफ़ बना के चला जाता है ना। हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे कि रॉयल क्यू करता क्या है। इनका अपना बोट है, राइट, इन्वेस्टमेंट है और प्लस टीम से पैसा कमाने की बात करता है। यही तो है रॉयल क्यू का प्लान, है ना। अब कुछ व्यक्ति, अगर हम रोबोट की बात करें तो यहाँ पर ये बोलते हैं, खासकर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ये बोलते हैं कि ये जो है ना, ये आपका एक तरीके से प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, किसी भी विदेशी कंपनी का भारत में यदि वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करती है, विदेशी कंपनी है भारत में यदि प्रदान करती है तो उसका भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रॉयल क्यू का नहीं है। और रॉयल क्यू भी इंडियन नहीं है तो इस तरीके से एकदम इलीगल है। अब कुछ व्यक्ति ज्ञान देंगे, तुझे क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, तुझे ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है। आपको ये समझना है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस की। क्रिप्टो की जब बात करेंगे तब उस पर आएंगे हम पॉइंट पे कि क्रिप्टो में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, राइट। पहली बात तो ये कि यदि आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बोलते हो तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आप एकदम गलत कर रहे हो, फेक है, फ्रॉड है आपका, जो भी ये प्रॉमिस है गलत है, राइट। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट पर जो ये लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा आएगा, ROI, राइट। इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत में कुछ नियम है, यदि आप किसी और का पैसा भी मैनेज करते हो ना तो उसके लिए सेबी का अलग से कोर्स होता है, आप लोग खुद जाकर स्टडी करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप फॉलोवर बनोगे उसका कोई मतलब नहीं, आपको लीडर बनना है ना। तो उसके लिए भी सेबी के कुछ रूल हैं, आपको उनको मानना पड़ेगा। अब व्यक्ति बोलेंगे यहाँ पर फिर से कि ये तो क्रिप्टो है, भाई मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगा कि आप 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बाय सेल होल्ड ट्रेडिंग का, उसको भी एक बार पढ़ें, राइट। अपनी रिस्क पे मैं भी पैसा लगाता हूँ, मेरा भी WazirX पे अकाउंट है, मैं भी अपने हिसाब से पैसा लगाता हूँ, राइट। लेकिन जो आप ये टीम बना के मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं ये टोटल इलीगल है भाई। आप अपना रिस्क ले सकते हो तो लो, क्या दिक्कत है, लेकिन मनी सर्कुलेशन ये इलीगल है ना। तो आपको इन पॉइंट को समझना है। अब इसके बाद भी कुछ व्यक्ति यदि ये बोले कि आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो, है ना, आप क्रिप्टो के खिलाफ हो, तो ऐसा नहीं है, हम स्कैम के खिलाफ है, जो स्कैम होता है मार्केट में उसके खिलाफ है, राइट। और एक बात, 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, 100 रुपये के पीछे भी ना व्यक्ति बहुत गलत फंसता है कभी कभी, 100 रुपये के पीछे बहुत गलत फंसता है। एक ऐसा भी केस हुआ था चंडीगढ़ में जहाँ पर 5 रुपये के पीछे 10,000-15,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी थी एक मॉल पे, इसने क्या बोलते हैं कंज्यूमर अफेयर्स ने, राइट। तो इस बात को आपको समझना है, रॉयल क्यू में आप पैसा ना लगाएं यदि मेरी माने तो, रॉयल क्यू को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। रॉयल क्यू में एक्चुअल में व्यक्ति पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि यहाँ पे टीम से इनकम आती है। मैं सीधी सी बात बताऊँ, आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पे करें, बहुत सारे एक्सचेंजर हैं, जो भी आपको समझ आए आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करें अगर आपको सही लगता है तो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप करो मेरी बात को मान के, नहीं, आपको सही लगता है तो आप कर सकते हो, राइट। लेकिन ये बोट के चक्कर में पड़ के या टीम बनाने के चक्कर में पड़ के कि आप खुद भी लगाओ दूसरों का भी लगवाओ, ये इलीगल ही है, याद रखना। जिस दिन फंसोगे हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगी हो आपको, लेकिन ये सच है, राइट। बाकी ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। डिटेल्ड वीडियो इस पर यदि आपको देखना है तो किसी भी एक प्रमोटर का देख लो, वो आपको भर भर के ऐसे शब्द बताएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और पैसा लगा दो। डिसेंट्रलाइज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, और आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देगा, ऐसा समझा देगा कि भारत में ना अब आने वाले समय में लोग गूगल से रोटी डाउनलोड करके खाएंगे। बहुत से व्यक्ति तो ये बोल रहे हैं कि चांद पे जब हम घर बनाएंगे ना तो ब्लॉकचेन के थ्रू, क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी। कुछ भी ऐसा ऐसा भ्रम पाल रखा है लोगों ने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि पूछिए मत। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस प्रकार के स्कैम में बिल्कुल भी ना फंसे, बिल्कुल भी ना फंसे।